العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد. باب كيف يدعى للمتزوج. كيف يدعى دع يدو دعاء دعوة سے مشتق للمتزوج شادی کرنے والے کو کیسی دعا دی جاوے کون سی دعا دی جاوے یہ اس بات کا حاصل ہے. اس کو یہ ثابت کریں گے اور اس سوال کو حل کریں گے آنے والی روایت سے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زوجین کو متزوج سے جن سے متزوج مراد ہے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. شادی کرنے والے مرد اور شادی کرنے والی عورت کو کون سی دعا دی جاوے. عورتیں عورتوں کو دیں یا پھر مرد مرد کو دیں اگر اجنبیت کا معاملہ ہے, اور اگر رشتہ داری کا معاملہ ہے تو رشتہ داری میں شریعت کے احکام کو, پردے کے احکام کو, عفت اور پاک دامنی کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکم ہے, جو ترتیب شریعت کی, اس کے مطابق اس کی حدود میں دعا دینی چاہیے. تو کون سی دعا دی جائے اس کو آپ حل کر لیجئے اس آنے والی روایت سے. بہی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد ہوا ابن زید عن ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر سفرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زرد رنگ کا اثر دیکھا. قال ما هذا دیکھا تو پوچھا یہ زردی کیسی ہے. قال انی تزوجت امراتن علی وزن نواتن میں نے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے علی وزن نواتن من ذہبن ایک گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کر. قال بارک اللہ لکا اولم ولو بشاتن اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے وے. اب ولیمہ بھی کرو خواہ بکری ایک بکری کا ہی گوشت بناؤ لیکن ولیمہ بھی کرو. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ شادی کرنے والا آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے اس لیے کہ اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. شوہر نے اللہ کی ایک بندی کو تا حیات اپنے پاس سنبھالے رکھنے, اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کا ایک ذمہ اٹھایا ہے. شوہر نے عورت نے بھی ایک بہت بڑا قدم اور بہت بڑی ہمت کا ثبوت دیا کہ اب تک وہ ماں باپ کی محبتوں کے سائے میں پل رہی تھی اور ماں باپ کی 100% محبتوں اور نظر کرم کا یہ عنوان تھی, اب وہ ان کو چھوڑ کر ایک نیا گھر بسانے کے لیے ایک نئے چہرے کے پاس آنا ہے.
इन महब्बतों को छोड़ कर आना बहुत हिम्मत की और क़ुरबानी की बात है। अब जब इन दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया है शरीयत के मंशा के मुताबिक, तो ऐसे लोग वाकई दुआओं के मुस्तहिक हैं कि इनके लिए इस्तेकामत की, बकाव दवाम की और हर हम किस्म की इज्जत और राहत की इनके हक में दुआ की जावे। तो एक बात तो ये समझ में आई कि ये दुआ के मुस्तहिक हैं और दुआ देना सुन्नत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी बात ये समझ में आई कि दुआ कौन सी दी जाए, शौहर को दुआ अगर देखा जाए तज़िया किया जाए तो बेशुमार उनवान हैं, रोटी की दुआ दी जाए, मकान की दुआ दी जाए, महब्बत की दुआ दी जाए, एक दूसरे के बाहम राहत रसानी की दुआ दी जाए, बदनज़री से बचने की दुआ दी जावे वगैरह वगैरह, तो एक जामिअ दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और उम्मत को सबक दे दिया, फरमाया बरकत की दुआ दी जावे। अब निकाह से मुतालिक बरकत का मतलब ही होगा, निकाह से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो सारी ज़रूरतें आसानी से इज्जत के साथ आराम के साथ मुहैया हो जाया करें और उनकी मनफ़ातें मिल जाया करें, इसी का नाम बरकत है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, बारकल्लाहु लक, ये एक दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे इस निकाह में बरकत डाल दे। और आगे उनको करने के काम बताया औली मलव बिशातिन, तुमको वलीमा करना, अगरचे तुम एक बकरी का वलीमा करो लेकिन वलीमा करना। ज़माने जाहिलियत में शादी करने वाले के लिए अलग अलग अंदाज में अल्फाज में लोग दुआएं देते थे, कोई कहता तुम्हें बेटा नसीब हो, तो कोई कहता तुम्हें ताल्लुकात तुम्हारे अच्छे हों, कोई कहता सिर त मकरूनम बिर्रफ़ा इवल बनीन। तो उन तमाम पहले से चली आने वाली दुआओं को सामने रख कर के एक अलग दुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारकल्लाहु लक और बाद रिवायतों में बारकल्लाहु अलैक और जमा बैनकुमा बिल खैर फी खैर, इस तरह के अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है। दूसरा बाब है अद्दुआ लिन्निसाए अल्लाती युहदीन अल उर्स वलिल आरूस। जो औरतें दुल्हन को दुल्हा के घर ले आए या उनको सजाने में वो भरपूर तैयारी करें कराएं, इन औरतों को भी दुआ दी जाए और दुल्हन को दुआ दी जाए। अद्दुआ लिन्निसा अल्लाती युहदीन अलउरुस, दुल्हन को शौहर के घर पहुंचाने के लिए जो औरतें कोशिश और मेहनत कर रही उनको भी दुआ दी जावे और दुल्हन को भी दुआ दी जावे। बिही काल हदसना फरवा काल हदसना अली इब्न मुसहर अन हिशाम नबी है न आयशत قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي। आयशा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की, मुझसे निकाह किया, तो मेरी वालदा उम्मे रुमान मुझे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लेकर आई।
वहाँ अंसार की कई औरतें बैठी हुई थी। فقلنا على الخير والبركه وعلى خير طائر। तो अंसार की जो औरतें बैठी हुई थी उन्होंने मुझे और मेरी वालदा को यूं दुआ दी, अल الخير والبركه وعلى خير طائر। दुआ दी कि तुमको भी खैर और बरकत मिले और तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। इस रिवायत से मालूम हुआ कि तैयार करके लाने वाली औरतें भी दुआ की हकदार हैं। और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर जो औरतें अंसार की थी उन्होंने हज़रत आयशा को और हज़रत आयशा की वालिदा को उम्मे रुमान को दुआ दी। तर्जमतुल बाब और हदीस में मुताबकत यहाँ बिल्कुल ज़ाहिर है कि दुल्हन के लिए भी दुआ करनी चाहिए और उन औरतों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो दुल्हन को सवारती और बनाती है। चुनांचे यहाँ उम्मे रुमान के लिए भी दुआ है और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी दुआ है। युहदीन अलउर्स अहदा युहदी एहदान से है, ये बाबे इफ़ाल से भी हो सकता है युहदीन और बाब ज़रब से भी हदायहदी हिदायतन से भी हो सकता है। मुराद वही है औरत को शौहर के घर तक पहुंचाना, ये है दोनों सूरतों में इसका हासिल। तीसरा बाब यहाँ पर है बाबू मन अहब्बल बिना कबल गज़्वे, जिस इंसान को जिहाद में और गज़वात में जाना है तो उसे चाहिए कि अगर नया निकाह किया है तो अपने आप को मुजामात के अमल से फारिग कर ले, मुजामात से फारिग हो जाए फिर वो जिहाद में जाए ताकि वहाँ जाकर तबीयत उसकी इस तरफ न लगी हुई हो। ऐसा कभी अचानक हो सकता है कि अभी नया निकाह हुआ और अचानक जिहाद का हुक्म आ गया, अब वो जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो बिना कर ले, अहब्बल बिना, बिना यबनी बिना किनाया है जिहाद करने, वो मुजामात करने से, ताकि वहाँ फारिग होकर अल्लाह के रास्ते की वो मेहनत कर सके। मन अहब्बल बिना कबल गज़्व, गज़्वा से पहले जो बिना को पसंद करे, बना यबनी बिनान किनाया है मुजामात से, क़ुरबान मरअत से, सुहबत से, इसलिए कि जब कोई शादी करता था तो लाजमन बीवी को लाने के लिए मकान की तामीर की फ़िक्र करता था, इसलिए बीवी के साथ मिलाप को बिना से ताबीर कर दिया गया। बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अलअला क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन मामरिन अन हम्माम अन अबी हुरैरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ग़ज़ा नबी मिन अल अंबियाए फ़क़ाल लिक़ौमिही لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि एक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, नबियों में से एक नबी ने जिहाद किया तो अपने लोगों में ऐलान कर दिया कि मेरे साथ कोई ऐसा आदमी गज़वे में न जाए जिसने अभी नई दुल्हन बनाई हो, नया निकाह किया और उससे जमा की ख्वाहिश अभी बाकी हो और जमा किसी वजह से वो नहीं कर सका। वह हुआ, देखिए फरमाया, ला यतबानी रजुल मलक बुद इमरा, अभी उसने किसी खातून से निकाह किया और बुदा का मालिक हुआ और वो उसके साथ ज़िफाफ करना चाहता है लेकिन लम यबन बेहा, कर नहीं सका। तो उसको चाहिए कि वो पहले अपने आप को फारिग कर ले ताकि उसका दिल मुतमईन रहे और यकसुई के साथ वो जिहाद कर सके। इस रिवायत में जिस नबी का ज़िक्र आया है, नाम तो मस्कूर नहीं है, बाज़ मुहद्दिसीन ने बतलाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, बाद ने कहा हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। ख़ुलासा कलाम यह है कि जिस तरह नमाज की मशगूलियत से पहले इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाने का हुक्म है ताकि नमाज में इस्तिंजा वगैरह का तकादा परेशान न करे, ऐसी गज़वात की शिरकत से पहले इस किस्म को कोई बीवी से ताल्लुक का कोई ख़ास मौका हो और ऐसी कोई शक्ल बने कि बीवी की तरफ इश्तियाक की शिद्दत होगी, इश्तियाक उसके लिए बाई से परेशानी होगा, तो ऐसी सूरत में अपने इस इश्तियाक की और इस ज़रूरत की तकमील के बाद उसे गज़वे की तरफ कदम उठाना चाहिए। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ला तंसौ अलइजाब बिलवीडियो वलइश्तिराक फिल क़ना तशजीअन लना लिनस्तमर्र बिनशर अलमज़ीद इंशाअल्लाह।